माई चैनल जोईते दीपो। आज का ब्लॉग होने वाला है क्रिसमस डे, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली के कुछ मॉल्स में घूमने के लिए। फिलहाल तो मैं DLF मॉल नोएडा में आई हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन भी हो रखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो अभी हम निकल गए हैं सुबह से 12 बजे से और भूख लग रही है बहुत तेज। तो चलो फूड कोर्ट ढूंढते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको डेकोरेशन दिखाऊंगी। ओके हाय। तो गाइस हम जाने लगे हैं अब ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे फूड कोर्ट कहाँ पे है, तो 3rd फ्लोर में फाइनली हमें फूड कोर्ट मिल ही गया था। मेरी वॉइस को इग्नोर करना, एक्चुअली मुझे कोल्ड हो रखा है तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी फटेबांसी हो गई है। यहाँ पर हमने ऑर्डर किए थे बर्गर किंग के बर्गर, फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक, जिसकी वजह से मुझे और कोल्ड हो गया। दावत देती हूँ मैं खुद बीमारी को। फिर प्रियांशु का मन था यहाँ पर चाइनीज खाने का, तो हमने चाइनीज ऑर्डर किया था। यहाँ पे नूडल्स मुझे ठीक ठाक लगे, बट मंचूरियन ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे, मुझे उसकी ग्रेवी पसंद नहीं आई। यहाँ पर सैलेड था तो फिर से अगेन मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी और थोड़ा और कोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पर मैं खरीदी थी खाना एंजॉय। सो फाइनली हमारी यहाँ पे पेट पूजा पूरी हो गई थी, तो हमने सोचा चलो भाई अब थोड़ा सा मॉल को एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो क्रिसमस डे की वजह से यहाँ पे ह्यूज क्राउड था, फैमिलीज, बच्चे, कपल सब आए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था बट बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज थी, झूले थे यहाँ पे, गेमिंग एक्टिविटीज थी। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर किस कदर भीड़ हो रही है। सो गाइज आप यहाँ पे डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप यहाँ पे गिफ्टिंग की शॉपिंग कर सकते हो, बच्चों से लेके एडल्ट्स तक सब चीज़ थी यहाँ पे। तो कुछ भी आप खरीद लो यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और यहाँ पे डेकोरेशन देख लो आप, स्टार्स, मतलब क्रिसमस का पूरा ना फील आ रहा था यहाँ पे। तो सब लगे हुए थे यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा हम भी कर लेते हैं, तो प्रिंस और मैं चले गए थोड़ा सा फोटोशूट करने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो अंदर भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़ों की हर चीज़ थी यहाँ पे, डेकोरेशन बहुत सुंदर हो रखी थी। तो गाइज यहाँ पे देख लो ये डेकोरेशन और ये क्यूट से सेंटा। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए ही एक्टिविटीज़ थी, यहाँ पे एक अडल्ट सेक्शन भी अलग से था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद मैं चली गई थी नीचे, और नीचे जाके ना मेरा दिल तो बाग बाग हो गया था यहाँ की डेकोरेशन देख के। जैसे कि आप भी देख पा रहे हो बच्चों की एक्टिविटीज, और मॉल को तो दुल्हन की तरह सजा रखा था। गाइस मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी यहाँ से। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर एंट्रेंस पे थोड़ी सी डेकोरेशन देखने के लिए। यार बाहर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, क्रिसमस ट्री और एंट्रेंस पे हल्की सी सजावट, और सबसे स्पेशल यहाँ का बागीचा लुक बहुत ज्यादा सुंदर था जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस मैं हूँ अभी पार्किंग में और बहुत अच्छी डेकोरेशन इस मॉल की, आप डेफिनेटली आ जरूर विजिट करो। तो मैं थक गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है और हम जा रहे हैं घर वापस। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्लॉग को एंड। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और यहाँ पर घूमने जरूर आओ। बाय गाइस।